हेलो दोस्तों, मेरे B24 नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और ईमेल आईडी लिंक नहीं है, यदि आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है, अब उसको कैसे अपडेट करा सकते हैं? यह काम अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यह होम सर्विस शुरू कर दी है, जिससे आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करा सकते हैं। और यदि आपके घर में 5 साल से कम का बच्चा है तो उसका भी आप आधार इनरोलमेंट कर सकते हैं घर से ही। इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट रजिस्टर करनी होगी, जिसका मैं प्रोसेसर इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक करने के लिए इस पेज पे आना है। इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको टाइप करना नाम और उसके बाद एड्रेस, उसके बाद अपना पिन कोड और उसके बाद से अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और यहाँ पे सर्विस में टाइप करना है IBPB आधार सर्विस पे क्लिक करना है। फिर नीचे सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है UDI चाइल्ड 5 ईयर आधार इनरोलमेंट के लिए। यदि आपके घर में 5 साल से कम का बच्चा है तो उसका आप आधार इनरोलमेंट कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को अपडेट करने के लिए सेकेंड नंबर पर क्लिक करेंगे। सेकेंड नंबर क्लिक करने के बाद अपना सारा डाटा यहाँ पे डाल देंगे। चलिए मैं अपना नाम और एड्रेस और पिन कोड और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। मैंने सारा डाटा यहाँ पे फिल कर चुका हूँ और नीचे आएंगे, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट OTP क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे OTP आपको इंटर कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं OTP को यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। OTP को इंटर करने के बाद नीचे आएंगे, कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपको एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाएगा। रेफरेंस नंबर से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए ऊपर आएंगे, क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और आपने जो रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर मिला है वो भी यहाँ पर अपना डाल के और फैक्स पे क्लिक करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। अभी मेरा स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कोई एक पर्सन आके आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक कर देगा, तो कुछ दिन तक आप वेट करें। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल B24 नॉलेज को सब्सक्राइब करें।